हलो वेरी गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स वी टेक ए मिन्स प्लेशर इन स्टार्टिंग विद द पार्ट बी ऑफ एल्कोल एंड फिनोल दैट इज ईथर जनरल फार्मूला ऑफ ईथर इज आर ओ आर डैश आर और आर डैश यहाँ पे कार्बन की चेन्ज हैं ये सेमिलर भी हो सकती हैं डिसमिलर भी हो सकती हैं अगर आर और आर डैश एक जैसी कार्बन की चेन है ऐसे ईथर्स को समेट्रिकल ईथर्स कहते हैं जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा नॉर्मल क्लेचर के दौरान लेकिन अगर आर और आर डैश जो हैं वो डिफरेंट कार्बन की चेन्स हैं इन दैट केस सच एन ईथर इज कॉल्ड एज ईथर लेट अस सी के ईथर्स जो हैं वो कैसे ऑप्टेन किए जा सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद इट्स नॉमन जैसे ये एल्केन है अगर इसके हाइड्रोजन को हम एल्कासिक uh, ग्रुप से एलिमिनेट uh, कर दें ओ से तो ये इधर बन जाएगा ये अरीन है यानी सपोज कर लीजिए बेंजीन है तो बेंजीन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट uh, कर दें अल्कॉक्सिक ग्रुप से तो आपको बी एल्का्कॉक्सी बेंजीन यानी कि बेंजीन वाला ईथर मिल जाएगा अल्कोहल से भी मिल सकता है ए, क्योंकि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप सिर्फ अल्कोहल का हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दीजिए और इसमें एक अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए आपके पास ईथर आ जाएगा ऐसे ही फिनोल है आप बिल्कुल फिनोल का पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने तो फिनोल में भी ए, बेंजीन ओ एच है तो एच को सब्सट्रैक्ट कर दिया आर डैश के साथ तो आपके पास ये बेंजीन वाला ईथर जो है वो मिल जाएगा आ, हम अज्यूम कर लेते हैं चलो कि ये ए आर जो है एरोमेटिक ग्रुप जो है वो बेंजीन है तो ये फिनोल है तो आ, फिनोल में से आप हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करके एक और बेंजीन को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ये आपके पास डाइफिनाइल ईथर आ जाएगा इसके नोमलेचर पे हम अभी आते हैं ठीक है बेटा तो आ, अब आपको ये जरूर पता लग गया होगा कि अगर यहां पे नोट लिख देते हैं कि अगर आर और आर डैश सेम है तो ऐसे ईथर्स को सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं और अगर आर और आर डैश इक्वल नहीं है तो ऐसे ईथर्स को अनसिमेट्रिकल ईथर्स जो है अनसिमेट्रिकल ईथर्स जो है वो कहा जाता है अगर आर और आर डैश इक्वल नहीं है तो इनको अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहा जाता है इनके नॉम पे आते हैं नॉम क्लेचर में ईथर्स के दो तरह के सिस्टम से हम इनकी नेमिंग करेंगे एक है कॉमन uh, नेमिंग uh, इनकी एक है आई यू नेमिंग यूपेक नेमिंग जिसे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली के रखा गया है ठीक है ऑर्बिटल पिक्चर uh, इसकी जो है या आप कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम एक सिंपल ईथर लें जो कि सी एच थ्री ओ सी एच थ्री है तो ये एस पी थ्री हाइब है और इसमें बॉन्ड एंगल वन हंड्रेड नाइन डेसीमल टू एट डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप बिगर ग्रुप हैं रिपल्शन करेंगे तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर गया ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है तो ये वी शेप है या बेंड शेप है और बॉन्ड एंगल आपने इसका 111.7 डिग्री जो है वो याद करना है और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइजेशन इसकी एस पी थ्री है चलते हैं इसके नॉमनक्लेचर की तरफ नॉमनक्लेचर में मैंने दोनों नेमिंग करी हुई हैं यूपेक नेमिंग भी और कॉमन नेमिंग भी द ओनली थिंग इज कि कॉमन नेमिंग को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है इन साइड द ब्रैकेट ठीक है मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कि ऑल कॉमन नेम्स आर पुट इन साइड द ब्रैकेट्स सारे कॉमन नेम्स जो हैं वो ब्रैकेट में रखे गए हैं तो सबसे पहले हम सी एच थ्री और सी एच थ्री का यूपेक नेमिंग आ, सीखते हैं कैसे होती है तो ऐसा है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन है और दोनों कार्बन एक जैसे हैं जब दोनों कार्बन एक जैसे होते हैं ये क्या बताया आपको कौन सा इथर होता है सिमेट्रिकल सेकंड स्ट्रक्चर में आ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन डिफरेंट है तो जब डिफरेंट कार्बन की चेन होती है ऑक्सीजन के दोनों तरफ इस तरह के इथर को अनसिमेट्रिकल इथर कहते हैं अब इसकी नेमिंग सीखते हैं पहले मैं स्ट्रक्चर टू की नेमिंग आपको सिखाऊंगा फिर स्ट्रक्चर वन पे चलते हैं स्ट्रक्चर टू जो कि अनसिमेट्रिकल इथर है इसमें ऑक्सीजन के एक तरफ दो कार्बन की चेन है और ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन की चेन है तो इनमें से जो छोटी कार्बन की चेन है उसमें ऑक्सीजन को आप ऐड कर लीजिए उसे सब्सिटेंट्स बना लेते हैं या उसे प्रीफिक्स बोल देते हैं तो ये प्रीफिक्स हो गया प्रीफिक्स में इसका नाम बना मिथ मिथेन से मिथ ऑक्सीजन से ऑक्सी मिथॉक्सी और ये दो कार्बन की चेन है जो कि पेरेंट चेन है ये दो कार्बन की चेन है जो कि पेरेंट चेन है तो इसमें पेरेंट चेन में दो कार्बन है कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसे इथेन ही बोलेंगे तो इथेन के साथ जो प्रीफिक्स लगा हुआ है मिथॉक्सी लगा है तो यूपेक नेमिंग के अकॉर्डिंगली पहले प्रीफिक्स लिखते हैं तो हमने प्री जिसका नाम ही प्रीफिक्स है मतलब उसको पहले फिक्स करना है मिथॉक्सी लिख दिया फिर हमने देखना कि इसमें कितने कार्बन है दो वर्ड रूट इथ लिख दिया सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया ये मिथॉक्सी इथेन हो गया तो इसकी जो कॉमन नेमिंग है उसमें हमने ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखना है कि कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं एक तरफ मिथ है एक तरफ इथ है कॉमन नेमिंग में इनको मिथेन इथेन नहीं कहते हैं मिथाइल इथाइल कहते हैं तो एक तरफ इथाइल ग्रुप है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो हमने लिखना है अल्फाबेटिकली चलते हुए इथाइल का ई पहले आता है इथाइल फिर मिथाइल इथाइल मिथाइल और ये ऑक्सीजन है ईथर इथाइल मिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं पहले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन जो है इक्वल है यहां भी एक कार्बन है राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे भी एक कार्बन है तो फिर हम इसमें जिसको मर्जी प्रीफिक्स बोल दें जिसको मर्जी पेरेंट चेन बोल दें तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी मिथेन चाहे ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर दीजिए तो मिथॉक्सी बन जाएगा या ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर दीजिए तो मिथॉक्सी बन जाएगा तो इससे मिथॉक्सी मिथेन एंड कॉमन नेम इज डाई मिथाइल ईथर कॉमन नेम इज डाई मिथाइल ईथर डाई मिथाइल ईथर इसलिए कह दिया क्योंकि दोनों मिथाइल हैं तो जो सेकंड स्ट्रक्चर था उसमें एक इथाइल था एक मिथाइल था तो उसको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ा तो इसको ये तो नहीं लिख सकते मिथाइल मिथाइल इथर तो बेटर इट इज यू राइट इट एज ए डाई मिथाइल इथर थर्ड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथ है यानी दो दो कार्बन है तो इसे इथॉक्सीथेन बोलेंगे और कॉमन नेम इसका डाईल इथर है ठीक है फोर्थ स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन की चेन है और दूसरी तरफ तीन कार्बन की चेन है जो तीन कार्बन की चेन है वो डेफिनेटली पेरेंट चेन है क्योंकि ये लार्जर कार्बन नंबर हैं इसमें और इस तरफ एक ही कार्बन है तो ये जो एक कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा प्रीफिक्स ये मिथॉक्सी हो गया और ये प्रोपेन हो गया तो ये मिथॉक्सी फर्स्ट कार्बन पे अटैच है वन मिथॉक्सी प्रोपेन सपोज ये मिथॉक्सी टू पे अटैच होता तो इसको हम कहते हैं टू मिथॉक्सी प्रोपेन जैसे इस फिफ्थ स्ट्रक्चर में देखिए कि ये कार्बन की तीन कार्बन की चेन है और उसके सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है तो इट विल बी कॉल्ड एस टू मिथॉक्सी प्रोपेन अब इनके स्ट्रक्चर फोर्थ और फिफ्थ के कॉमन नेम अगर देखें तो ये मिथाइल है मिथाइल और ये प्रोपाइल है एम पहले आता है अल्फाबेटिकली पी बाद में आता है तो हम लिखेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर मतलब नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट कार्बन की चेन है इसलिए एन प्रोपाइल ईथर लगा दिया है जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है और फोर्थ स्ट्रक्चर है ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं चेन आइसोमर्स हैं इनमें क्या है कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है मोलिकुलला दोनों का सेम है डिफरेंस एक है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो तीन कार्बन थे वो स्ट्रेट चेन थे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो तीन कार्बन की चेन है वो ब्रांच चेन है तो इसलिए इसको हम आइसोप्रोपाइल ये जो तीन कार्बन है जो कि ब्रांचड है इनको आइसोप्रोपाइल बोल दिया ये मिथाइल है मिथाइल फिर बाद में ऑक्सीजन को ईथर बोल देना ठीक है सिक्स स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इसके जैसा है आ, तो ये दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल है जैसे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप था ये भी आइसोप्रोपाइल है ब्रांच कार्बन की चेन है तीन कार्बन ये भी तीन ब्रांच कार्बन तीन कार्बन की ब्रांच चेन है ये भी आइसोप्रोपाइल है ये भी आइसोप्रोपाइल है तो डाई आइसोप्रोपाइल हो गया ना तो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इसका नाम हो गया तो इसका कॉमन नेम जो है वो याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेवेंथ स्ट्रक्चर में आ जाइए अब इसमें क्या है कि एक आपने कार्बन की लंबी चेन देखनी है जो कि पेरेंट चेन होगी तो ये पेरेंट चेन होगी हमारी ये पेरेंट चेन होगी इसकी नंबरिंग आप जिस तरफ से मर्जी कर लीजिए वन टू थ्री ही होगा वन टू थ्री वन टू थ्री मतलब अगर ऊपर से नीचे करते हैं तब भी सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी और मिथाइल हैं अगर नीचे से ऊपर करते हैं तब भी सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी और मिथाइल हैं तो इसका मतलब इसमें इसको नंबर नहीं मिला तो जिसको नंबर नहीं मिला वो प्रीफिक्स ही होता है तो ये मिथाइल भी प्रीफिक्स है और इधर से ये जो मिथॉक्सी है ये भी प्रीफिक्स है तो सेकेंड पे मिथॉक्सी भी है सेकेंड पे मिथाइल भी है तो इट विल बी टू मिथॉक्सी टू मिथाइल दो पे मिथॉक्सी दो पे मिथाइल और ये तीन कार्बन की चेन है प्रोपेन हो गया और इसका जो कॉमन नेम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आ जाता है एग्ज़ाम में और रिएक्शन के दौरान भी इसको कई बार लिखना पड़ जाता है तो आप चाहे तो यूपी नेम भी लिख सकते हैं पर कई बार जो क्वेश्चन है वही कॉमन नेम के साथ वो शुरू करते हैं तो इसका कॉमन नेम जो है वो आप याद इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये तीन तरफ से कार्बन की चेन से सराउंडेड है वन टू थ्री तो ये टर्शरी हो गया टर्शरी लग गया पर टोटल कार्बन इसमें चार हैं बुटाइल हो गया ये मिथाइल है ये इथर है तो इसका नाम हो गया टर्शरी बुटाइल मिथाइल इथर आई वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू आगे चलते हैं अगला जो नेमिंग है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बेंजीन के साथ ओ सी एच थ्री तो ओ सी एच थ्री जो है वो आपका प्रीफिक्स हो गया तो ये हो गया मिथॉक्सी और ये बेंजीन और इसको मिथाइल फिनाइल ईथर वैसे तो कहते हैं ये मिथाइल है बेंजीन को फिनाइल कह दिया ये ईथर, ठीक है और लेकिन इसका जो ज़्यादा पॉपुलर नेम है कॉमन में मिथाइल फिनाइल ईथर नहीं है बल्कि एनीसोल है तो एनीसोल के नाम को याद करें तो ज़्यादा अच्छा है बाकी मिथाइल फिनाइल इथर तो अपने आप बन जाता है ये मिथाइल है ये फिनाइल है ये इथर है तो मिथाइल फिनाइल इथर तो बन ही गया आगे नेक्स्ट बेंजीन के साथ इथॉक्सी ग्रुप लगा है तो ये इथॉक्सी बेंजीन हो गया तो ई पहले आता है इथाइल फिर फिनाइल फिर ईथर जैसे इसका एनीसोल नेम ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे फेनीटोल नाम जो है वो कॉमन नेम जो है ज़्यादा पॉपुलर है अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ बेंजीन लगी हो या तो इसे फिनॉक्सी बेंजीन कहते हैं और कॉमन नेम में से डाइफिनाइल ईथर कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन की चेन पे दो दो क्सी ग्रुप्स लगे हों मतलब लग ये भी मिथॉक्सी ये भी मिथॉक्सी है तो ये दोनों प्रीफिक्स हैं तो ये दोनों फर्स्ट कार्बन पे लगे हैं वन वन डाई मिथॉक्सी दो कार्बन है इथेन हाँ इसका कॉमन नेम याद करने की जरूरत नहीं है जो ट्वेल्थ स्ट्रक्चर है ये मैंने यहां पे चार पांच स्टार लगा दिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इनफैक्ट यूपेक नेम ही पूछा हुआ है उन्होंने और कॉमन नेम भी पूछा हुआ है ये एक साइक्लिक ईथर है तो इसकी नंबरिंग यहां से शुरू करनी है टू थ्री थ्री पे क्लोरो और वन और टू के बीच में ऑक्सीजन के साथ, साथ साइक्लिक ऑक्सीजन साइक्लिक ईथर जो है वो बन रहा है ऑक्सीजन के साथ मतलब साइकिल में एक मेंबर जो है ऑक्सीजन भी है तो इसे इपॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे प्रोपेन इसलिए क्योंकि तीन कार्बन है और वन टू इपॉक्सी इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन है वन और टू कार्बन के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है इसे कॉमन लैंग्वेज में एपिक्लोरो हाइड्रेन कहा जाता है और फाइनली ज़्यादातर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जितने भी पॉसिबल थे बाकी स्काई इज नॉट द लिमिट जितने मर्जी कर सकते हो ये मिथॉक्सी है और ये एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है तो मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है तो इट इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन आई एम श्योर कि आपको नॉमन जो है इसका वो क्लियर हो गया होगा तो आई एम वेरी श्योर कि आपको नॉमन बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने करवाया आपको क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में हम सबसे पहले एल्को ईथर को प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल से और अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे डिहाइड्रेशन मेथड से तो ये आपके पास दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं आप इनको कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे 413 केल्विन टेम्परेचर स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ ये टेम्परेचर आपने मेमोराइज करना है 413 केल्विन टेम्परेचर पे क्योंकि मैंने अल्कोहल फिनोल जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अल्कोहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड का जो इंपैक्ट है डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है तो इसलिए अगर आपको ईथर ही प्रिपेयर करना है तो आपको अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल को 413 केल्विन टेम्परेचर पे ही हीट करना पड़ेगा तो डाइथाइल ईथर मिल जाएगा ठीक है तो ये इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल है इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल हैं ओ एच और एच कंबाइन करके वाटर बन गए ये और ये पार्ट आप ज्वाइन कर दीजिए सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री इस तरह से हमने डाई ईथर को प्रिपेयर कर लिया अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे ये एस एन टू मैकेनिज्म को फॉलो करता है बहुत आसान है इसका मैकेनिज़म है पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल जो मिनरल एसिड्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड उनका जो हाइड्रोजन है उनके ऊपर अल्कोहल के ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक कर देता है तो अल्कोहल में जब एच प्लस एड हो जाता है तो मैंने आपको फिनोल के चैप्टर में भी बड़ी बार बताया तो इनको प्रोटोनेटेड अल्कोहल या एक्जोनियम सॉल्ट कहा जाता है तो ये हमारे पास हो गया सी एच थ्री सी एच टू ओ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एच एच पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने अपना लोन बेर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया अब एल्कोहल में ये अल्कोहल और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में एक ही डिफरेंस है कि इसमें एक H और एक प्लस का साइन आ गया तो मतलब प्रोटोन ऐड हो गया तो इसका नाम क्या रख दिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल ठीक है इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल जिसे कि एक्जोनियम सॉल्ट कहते हैं के ऊपर चूँकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये अनस्टेबल ही रहेगा ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ठीक है ऑक्सीजन के ऊपर ताकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए और ये वाटर बन के बाहर एलिमिनेट हो जाएगा और इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा या इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव उस पॉजिटिव पे एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा क्योंकि दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं उसका लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर देगा अब ये सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री साथ में एच प्लस अभी भी इसमें फालतू है अब इसका नाम प्रोटोनेटेड इथर हो गया मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसमें अगर प्रोटोन ज्यादा लगा हुआ है अगर एल्कोहल है उसमें एच प्लस ज़्यादा है तो उसे प्रोटोनेटेड एल्कोहल कह दिया अब ये सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री होता तो ये ईथर होता लेकिन इसमें एच और पॉजिटिव हैं तो इसे प्रोटोनेटेड ईथर कह देते हैं इसका मतलब कि ये एच ही इसमें ज़्यादा ना तो ये एच जो है थर्ड स्टेप में इसकी एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो स्टेप टू है ये स्लो स्टेप है रेट डिटरमिनिंग स्टेप है रिएक्शन का रेट इस स्टेप से डिटर्मिन होता है और फाइनली जो थर्ड स्टेप है जो कि बहुत ही फास्ट स्टेप है इसमें जो एच है उसकी एबस्ट्रैक्शन हो जाएगी एच की एब्सट्रैक्शन होगी ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर गया तो हमारे पास क्या आ गया इथॉक्सी इथेन आ गया हमारे पास क्या आ गया इथॉक्सी इथेन आ गया ठीक है तो एच प्लस जो है वो एलिमिनेट हो गया इस तरह से हम इसके मैकेनिज़म को कंप्लीट कर सकते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपने सीख लिया कि कैसे हम दो मॉलिक्यूल अल्कोहल को कॉन्सनट्रेटेड सिल्फ्रिक एसिड के साथ 413 हंड्रेड थर्टीन पे टेम्परेचर हीट करेंगे तो आपके पास एक ईथर आ जाएगा साथ में वाटर आ जाएगा और सिल्फ्रिक एसिड का जो एच प्लस इसमें यूज़ हो रहा था वो बाद में एज सच जो है वो रीजनरेट हो जाएगा टिल हेयर आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू एंड इट इज रिटर्न वेरी क्लियरली कि स्टेप टू जो है वो स्लो स्टेप है और स्टेप थ्री जो है वो फास्ट स्टेप है और जो स्टेप टू है स्लो है और ये एक रेट डिटर्मिन स्टेप है क्लियर है अच्छा आगे हमारे पास हमें ये बताना है कि ईथर की जो यील्ड है वो कितनी होगी मतलब कि आपको ईथर 100 परसेंट मिलेगा या कम मिलेगा ये डिपेंड करती है एल्कोल की नेचर पे तो अगर तो प्राइमरी अलकोल है तो प्राइमरी के केस में आपको डाइथाइल ईथर मिलता है लेकिन कुछ अल्कीन भी मिल सकती है कुछ मतलब फाइव टू सेवन परसेंट बट मेजर प्रोडक्ट विल बी ईथर ओनली बट वेन यू गो टू सेकेंड्रियल कोल ये सेकेंड्रियल कोल है uh, दो मॉलिक्यूल ऑफकोर्स इसके लेने हैं ऑफ कोर्स तो कॉन्सेंट्रेटेड सिल्फरिक एसिड के साथ फोर हंड्रेड थर्टीन केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो अब आपको डाई आईसो प्रोपाइल ईथर जो है वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा और जो प्रोपीन है ये तीन कार्बन वाला अल्कोहल था प्रोपीन जो है यानी अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल से ईथर बनाना बेनिफिशियल है सेकेंडरी अल्कोहल से बनाओगे तो मेजर प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। और अगर टर्शरी अल्कोहल से बनाओगे फिर तो बैंड ही बच जाएगा फिर आपको ईथर ट्रेसिस में मिलेगा ब्यूटाइल अल्कोहल वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती है ओ एच और एच इलिमिनेट होता है और आपको आइसोब्यूटलिन नाम की एक अल्कीन ही मिलती है इसका मतलब कि ये अल्कोहल से ईथर को प्रिपेयर करने के लिए प्राइमरी अल्कोहल इज मोर बेनिफिशियल देन सेकेंडरी और टर्शरी मेथड्स की लिमिटेशन ये हैं आप इससे अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते जैसे अगर आप कहें कि एक इथेनॉल ले लिया एक मिथेनॉल ले लिया मतलब एक आर ले लिया एक आर डैश ले लिया ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको लगे कि आर ओ आर डैश बन जाए नहीं आर ओ आर प्लस आर ओ आर डैश प्लस आर डैश ओ आर डैश तीन पॉसिबल ईथर्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन जाता है जिनको सेपरेट आउट करना भी हमारे लिए इतना बेनिफिश मतलब ईजियर uh, नहीं होता लेबॉरट्री में और ये मेथड वैसे भी इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है लेबॉरट्री में हमारे पास इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो नहीं है क्योंकि इसकी जो रिएक्शन कंडीशन है 413 हंड्रेड थर्टीन कैलविन टेम्परेचर पर कॉन्सेंट सिल्वरिक एसिड को हैंडल करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ठीक है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया कि आपने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ईथर्स को कैसे प्रपेयर करना है ऐसे ही कैटालिटिक डिहाइड्रेशन से भी अल्कोहल की कैटालिटिक डिहाइड्रेशन से भी ईथर को प्रपेयर किया जा सकता है ये दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं एलमिनियम ऑक्साइड को 513 523 केल्विन फाइव टेम्परेचर हीट करेंगे तो वाटर एलिमिनेट होगा साथ में आपको डाइथाइल ईथर मिल जाएगा ठीक है तो बस सिल्फ्रिक एसिड की जगह एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करना है एक और मेथड है अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करने का कि अल्कोहल को डाइजोमीथेन से ट्रीट कर दो तो ये इसके साथ ही ऐड हो गया नाइट्रोजन बाहर निकल गया और ये सी एच टू एच के साथ ज्वाइन करके सी एच थ्री बन गया तो ये कंपाउंड जो है सी एच टू एन टू कहते हैं तो आपके पास मिथॉक्सीथेन या इथाइल मिथाइल ईथर आ जाएगा ये रिएक्शन टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है आप डायरेक्टली भी अल्कोहल को आ, अल्कीन में ऐड करें तो इथर बन सकता है मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा तो ये मिथेनोल है और ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन का नंबर जो है वो इक्वल नहीं होता तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच करेगा अटैक करेगा जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो इसके ऊपर एच प्लस लग जाएगा यानी कि ये जो बॉन्ड यहाँ पे जब शिफ्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज एच प्लस के ऊपर अटैक कर देगा और एच प्लस सी एच टू के साथ लग के सी एच थ्री बना देगा और ये ओ सी एच थ्री इस कार्बन के साथ लग गया हमारे पास ये टर्शरी बुटाइल मिथाइल ईथर है ठीक है आई एम वेरी श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू तो ये थे आ, कैसे हमने ईथर्स को प्रपेयर करना है एल्कोहल से इसकी एक लिमिटेशन है लिमिटेशन ये है कि कई बार इसमें जो हमें एक्सपेक्टेड ईथर चाहिए वो नहीं मिलता बल्कि रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है ठीक है तो उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है